गाय काटने वालों को फांसी दो, फांसी दो। गाय काटने वालों को फांसी दो, फांसी दो। हरियाणा मेवात के फिरोजपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक मामन खान पर लगाया बेबुनियाद आरोप। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला में गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा जाता है और दबाव में नाम विधायक का लिया जाता है। नासिर जुनैद कुरूर कत्लकांड में आया नया मोड़। बीते रोज हरियाणा राजस्थान विधानसभा में मेवात के 6 कांग्रेसी विधायकों ने मजलूम पीड़ितों के लिए अपनी आवाज बुलंद की थी, मगर विधायक मामन खान ने हरियाणा विधानसभा में बेखौफ होकर बेबाक अंदाज में संवैधानिक तरीके से खुलकर नासिर जुनैद के लिए इंसाफ मांगा तो उन्हें ही गौ तस्कर बना दिया गया। बिना किसी सबूतों के विधायक मामन खान के खिलाफ रचा गया है बड़ा षड्यंत्र। प्यारे दर्शकों, सच्चाई छुप नहीं सकती, कभी झूठे उसूलों से और यह खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागजी के फूलों से। समझदार के लिए इशारा ही काफी है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं मेवात आज तक पर आज की सबसे बड़ी खबर। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गौ रक्षक और गौ तस्करों की। बीते रोज उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एक गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा गया जिसमें करीब एक दर्जन से ज्यादा जिंदा गाय पकड़ी गई और जो ट्रक चालक था वो पंजाब का रहने वाला था। गौ रक्षकों ने उन्हें पकड़ा और ड्राइवर की धुलाई कर दी। यहाँ पर तो सब कुछ सही है, मगर दुख की बात यह है कि ड्राइवर पंजाब का रहने वाला, कांड उत्तर प्रदेश में होता है और दबाव में लाकर नाम हरियाणा मेवात के साफ छवि और ईमानदार कांग्रेस विधायक मामन खान का लिया जाता है। भैया कहाँ से आ रही थी विधायक? उस आगरा से उसके यहाँ जा रही थी गाय। आपको बताया था इसमें गाय है? आपको बताया था इसमें गाय है? हाँ, बोलते थे डंगर भर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम बताया था विधायक का? मम्मन खान विधायक। मम्मन खान विधायक, हाँ जी, ठीक है। इस खबर को सुनकर इंसानियत भी शर्मसार हो गई है। हकीकत और सच्चाई तो यह है दोस्तों, इस पूरे गेम से विधायक मामन खान का कोई लेना देना ही नहीं है। यह पूरे तरीके से विधायक को फंसाने की एक साजिश और षड्यंत्र है जो कि बेबुनियाद आरोप है। ड्राइवर से जो कुछ कहलवाया उसे आप भी सुन लीजिए जनाब। इस बात का खुलासा खुद विधायक मामन खान ने नूह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के सामने किया। विधायक ने इन आरोपों को कंडम करते हुए कहा, मेरी आवाज को दबाने के लिए यह एक नाकाम साजिश है। मैं उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, जल्द ही अदालत के दरवाजे खटखटाऊंगा। हद तो तब हो गई जब एक राष्ट्रीय चैनल बिना वर्जन लिए बगैर किसी तथ्य के विधायक के खिलाफ खबर चलाकर छवि को धूमिल कर देता है। खबर को देखने के बाद विधायक को गहरा सदमा पहुंचा है। वहीं मेवात के लाखों लोग बहुत ही गमजदा और नाराज हैं। इस तरह बेबुनियाद तरीके से किसी सम्मानित व्यक्ति की छवि को खराब करना केवल अन्याय ही नहीं बल्कि घोर अन्याय है। 2019 में 38,000 वोटों से जीत दर्ज करने वाले विधायक मामन खान के बयान सुनिए। मैं सुबह में चैनल देख रहा था, आगरा में ट्रक पकड़ा जाता है गोवंश का, और उस ट्रक में ना मालूम कितनी गौवंश भरी हुई थी और इन गोरक्ष दल के लोगों ने मैनुपलेट करके नहीं, पहले प्री प्लान करके नहीं, एक ड्राइवर हायर कर रखा है जो पंजाब की गाड़ी को चलाता है और उससे जबरदस्ती कहलवाते हैं ये गाय कहां जा रही है। ये कहते हैं कि विधायक मामन खान के घर जा रही है, उसको थाने में भी ले जाते हैं और ना मालूम उसके आगे उस पर क्या कार्रवाई हुई, उत्तर प्रदेश पुलिस जानती है। मैं सुबह खड़ा हुआ तो मैंने देखा एक राष्ट्रीय चैनल इंडिया टीवी रिपोर्टेड बिना तथ्य के, बिना सबूत के मेरी छवि को इतना धूमिल किया है। आप खुद उस न्यूज को देखोगे तो खुद आपको पता चल जाएगा कि राष्ट्रीय चैनल भी किस तरह से बिना तथ्य के लोगों के खिलाफ प्रचार और प्रसार करते हैं। जो इन्होंने न्यूज मेरे खिलाफ चलाई है, सीधा लिखा है कि मामन खान विधायक के भी गो तस्करों के साथ लिंक है। मैं ये कहता हूं कि मामन खान गो तस्कर नहीं है, जो गो रक्षक बने हुए ये ही गो तस्कर हैं जो लोगों को गो तस्करी करते हैं। आज तक इतिहास में कहीं भी एक भी एफआईआर लॉज मिल जाए मेरे ऊपर किसी के किसी भी चीज की, विधायक जिम्मेवार है। जो ये न्यूज चलाई गई है ताकि इन्होंने यही चाहे कि एक विधायक की साफ सुथरी छवि को किस तरह से बदनाम किया जा सके। और जो मैंने 22/2 को 3 नौजवानों की मौतों का मसला विधानसभा में न्याय दिलाने के लिए उठाया था और ये कुछ ऐसे माजिक तक मेरी आवाज को दबाना चाहते हैं ताकि मैं लोगों की आवाज ना उठा सकूं, परंतु मुझे किसी का डर भी नहीं है। सच्चाई की आवाज को हमेशा बुलंद करता रहूंगा और गरीब जनता की आवाज को उठाता रहूंगा।
क्योंकि मुझे देश की न्याय प्रणाली और वे संविधान पर पूरा भरोसा है। ये 22 तारीख के बाद मैं गो तस्कर क्यों बन गया, इससे पहले क्यों नहीं था? गो तस्करी तो देश में बहुत सालों से हो रही है, सिर्फ ये एक विधायक की आवाज को दबाना चाहते हैं। वो आवाज जो जनता ने मुझको विधानसभा में यहां से 38,000 वोटों से जिता के भेजा है, वो आवाज कभी नहीं दबेगी, चाहे कुछ भी कर ले लोग, सच्चाई के लिए उठती रहेगी। और मैं फिर कह रहा हूं, वो हत्या के मैं खिलाफ हूं और कटे शब्दों में उनकी निंदा। और अब मेवात के सीनियर एडवोकेट रमजान चौधरी तथा अख्तर चंदैनी के विचार सुनिए। ये जो कुछ हो रहा है एक राजनीतिक खेल हो रहा है, और एक शांतिपूर्ण इलाका जहां सदियों से जो भाईचारा रहा है उस भाईचारे को खराब करने की विशेष कोशिश की जा रही है, और राजनीतिक इसमें जो भी पुर्जे हैं वो राजनीतिक पुर्जों के हिसाब से चल रहा है सब कुछ, सारा खेल एक राजनीतिक खेल है, और इस शांतिपूर्ण क्षेत्र को किसी बदमनी में धकेलने का इरादा है। डेमोक्रेटिक वे में विधायक के साथ है मुकम्मल तौर से। कल भी हम घाट भी गए थे, अशोक गहलोत जी से भी मिले थे, और नाइंसाफी अगर हमारे आदमियों के साथ होगी, हमारे विधायकों के साथ होगी, तो हम लामबंद होकर विकास सभा विधायक के साथ खड़ी रहेगी। चुने हुए प्रतिनिधियों का एक गहवारा है, और उसमें गलत या सही कोई आवाज उठती है तो उसकी आवाज पर एतराज विधानसभा में ही होता है। अगर वहां कुछ गलत हुआ होता तो वहां अध्यक्ष थे, और वहां की गरिमा है, वहां के नियम है, रूल्स हैं। वहां कोई एतराज नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि कोई ऐसी बात वहां नहीं कही गई जो किसी रूल्स के और जो नियमों के दूसरी तरफ थी। जनप्रतिनिधि को चुना ही इसलिए जाता है कि वो आवाम की, जनता की, अपने हलके की, इलाके की, अपने प्रदेश की बात उठाए जो गलत बात है। और प्रधानमंत्री जी ने खुद ये बात कही है कि कुछ स्वयंसेवी गोरक्षक जो दिन में कुछ और चोला पहनते हैं और रात को कुछ और चोला पहनते हैं, उनका डोजियर करने की सिफारिश की है, कि पुलिस को कहा है कि इनका जरा डोजियर तैयार कीजिएगा। उस आवाज को बदलकर जिस तरह से पेश किया जा रहा है और धमकियां दे रहे हैं गरुआ ब्रिगेड में कि भाई हम ये गोरक्षक हैं, ये फला हैं, ये ढिकड़ा हैं, हम उस समाज के ठेकेदार हैं, या फर्जी तरीके से किसी तरह से लांछन लगाकर जो विधायक की छवि को खराब करने की एक नाकाम कोशिश है, हम उसकी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं, और हम उनके साथ खड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने सच और हक की आवाज उठाई है। आपने देखा और सुना बहुचर्चित नासिर जुनैद हत्याकांड को लेकर हरियाणा विधानसभा में पीड़ित परिवारों के इंसाफ के लिए खुलकर आवाज बुलंद करने वाले विधायक मामन खान को दबाने की यह एक गहरी साजिश है। हमारी टीम ने एक सर्वे के मुताबिक लगभग 5,000 लोगों से विचार जाने तो पता चला कि विधायक मामन खान वास्तव में ही गरीब, हितेशी और ईमानदार व्यक्ति हैं। किसी से आज तक एक रुपए की रिश्वत नहीं ली, यह बिल्कुल साफ छवि के बेदाग नेता है। वो पहले भी कड़े शब्दों में साफ साफ कह चुके थे गौ तस्करी के वो खिलाफ हैं। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे पड़ोसी का दिल टूटता हो और किसी समुदाय की आस्था को ठेस पहुंचती हो, मगर देश तो कानून से ही चलेगा, जंगलदाज से नहीं। फर्जी गौ रक्षकों के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी जी भी अपने विचार रख चुके हैं, सुन लीजिए। गौ रक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। पुराने जमाने आपने देखा होगा कि बादशाह और राजाओं की लड़ाई होती थी, तो बादशाह क्या करते थे, अपनी लड़ाई की फौज के आगे गाय रखते थे। राजा को परेशानी होती थी कि लड़ाई में अगर हम शस्त्रों का वार करेंगे तो गाय मर जाएगी, तो पाप लगेगा, और इसी उलझन में वो हार जाते थे, और वो भी बड़ी चालाकी से गाय रखते हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे
जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। हमारे मेवात पुलिस कप्तान वरुण शिगला तथा यूपी हरियाणा और दिल्ली की केंद्र सरकार से हमारा अनुरोध है, जो विधायक की छवि को बेबुनियाद तरीके से बगैर किसी वर्जन के पंजाबी ड्राइवर से नाम लिखवा कर कांग्रेस विधायक को बदनाम करने फंसाने की जो साजिश रची है वो निराधार तथा बेबुनियाद है। इंसाफ होना चाहिए और ऐसे मनगढ़ंत लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जिम्मेदार चैनल होकर बिना तथ्य बिना वर्जन के किसी सम्मानित आदमी की छवि को खराब करना गैर संवैधानिक तथा घोर अन्याय है। मेवात की जनता गुस्से में है और नाराज भी है। विधायक मामन खान के साथ लाखों गरीबों की दुआएं हैं। झूठ का पर्दाफाश होगा और इंसाफ मिलेगा। चलते चलते आपको फिर बता देते हैं, मथुरा में पकड़ा गया गोवंश से भरे ट्रक से विधायक मामन खान का कोई लेना देना नहीं है। यह पूरी तरीके से निराधार और एक षड्यंत्र है। दोस्तों फिलहाल असंख में इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे इसी मामले से जुड़ी दूसरी ताजा अपडेट। तब तक आप बने रहिएगा सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। हरियाणा मेवात से संवाददाता अर्शद बिसरू की विशेष रिपोर्ट। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।